हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज स्नेहा पटेल. एंड कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, आपको पता है एक बार क्या इंसिडेंट हुआ था क्लासेस में ना. हमारा 1 घंटे के लिए एसी खराब हो गया था. ठीक है, एक लेक्चर बोल सकते हो, वो 1 घंटे का ही हुआ लेक्चर, क्योंकि बाद में कंटिन्यू ही नहीं कर पाए हम लोग. हमारा एसी खराब हो गया था. एंड मतलब इतना गर्मी का टाइम था, डोर बंद रहता है, विंडो बंद रहता है, 80-90 स्टूडेंट्स का कुछ वो क्लास होगा. हम सब बैठे थे, इतनी गर्मी हो रही थी, गर्मी का टाइम भी था, मतलब यू नो इधर इधर से ऐसा पसीना टपक रहा था. लड़कों का तो पूरा बैक ही मतलब स्वेट से एकदम वेट हो गया था. इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा था पढ़ते टाइम, और सर को दिख रहा था कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. तो सर हमको ऐसा कि भाई हमारे ज़माने में हम लोग नीचे बैठकर पढ़ते थे, क्लासेस में बेंच भी नहीं हुआ करता था. हम लोग नीचे बैठकर पढ़ते थे. जो तुमको इतना बड़ा बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड भी नहीं हुआ करता था, एक छोटू सा बोर्ड होता था, उसमें मैम या सर हमको पढ़ाते थे. तुम लोगों को तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, टेक्नोलॉजी है, तो मुझे उससे रिलेट हो पा रहा है कि यस, हम लोग एक्चुअल में लकी है, क्योंकि हमारे पास लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को ईजी और स्मूथ बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज है और सॉफ्टवेयर्स है और फैसिलिटीज़ है, जिससे हम हमारे लाइफ को इजी बना सकते हैं. सो इस पढ़ाई को लेकर भी हम यू नो हमारा डेली रूटीन, टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और स्मूथ बना सकते हैं इन सब फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. ठीक है, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो अगर आप CS स्टूडेंट हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल स्टूडेंट हो तो आपके फ़ोन में ज़रूर होने चाहिए. मैं डिस्क्लोजर दे देती हूँ, ये कुछ भी पेड नहीं है, प्रमोशन नहीं है. ये जो भी ऐप्स बताने वाली हूँ वो पर्सनली मैंने यूज़ करे हुए हैं और इसने वंडर्स करा हुआ है मेरे स्टडी लाइफ में. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों ने अब तक आपके क्लासेस स्टार्ट नहीं करे हैं फॉर CS एग्जीक्यूटिव फॉर June 2022 अटेम्प्ट, या फिर आप लोग अभी भी क्लास ढूंढ रहे हो, या फिर आप लोग खुद के क्लासेस से सेटिस्फाइड नहीं थे, देन अनअकैडमी आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है. बिकॉज अनलॉक 20 सीजन चल रहा है अनअकैडमी पर, जहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल सकता है आपके हर एक सब्सक्रिप्शन पर. इसके प्राइसेस बहुत ही जल्द राइज होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द March 14 से March 16 तक आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. मेरा कोड यूज करना CSNE. ऑल्सो अनअकैडमी ने अपने शिखर बैच स्टार्ट किए हैं, जो स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 16th of March 2022 फॉर June 2022 एस्पिरेंट्स. ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर्स से पढ़ने वाले हो फॉर बोथ Module 1 and Module 2. और ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हर हफ्ते आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होने वाला है, मल्टीपल एजुकेटर्स होंगे फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, एंड यहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो. मेजर ऑफ द सब्जेक्ट्स तो 16th of March से स्टार्ट हो जाएंगे, बट जो टैक्स लॉ है वो 3rd week of March से स्टार्ट होगा. इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ. डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड CSNEHA फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. गो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. सो यस गाइज, बैक टू अवर वीडियो. मुझे ना एक इंसिडेंट याद आ रहा है. मतलब क्या होता था, जब मैं क्लासेस में जाती थी तब तो 9-9 घंटे के क्लास होते थे, तो पूरा दिन वहीं पे निकल जाता था. बट सेल्फ स्टडी के टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर पे आए दिन कितने मेहमान आते हैं यार. मतलब आई बिलोंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, तो मेहमान तो आने ही वाले, और तभी लॉकडाउन का कुछ नामो निशान नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था. हर दूसरे दिन कोई ना कोई गेस्ट आ जाता था. मतलब मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता है जब मैं पढ़ती हूँ और आजू बाजू आवाज़ हो. ठीक है, सो इतना डिस्टर्ब होता था, मैं ऐसे हो गई थी कि यार ऐसे में मैं कैसे पढ़ूंगी. क्या होता था, गेस्ट आते थे तो मेरी मम्मी और मेरी भाभी उनको हैंडल कर लेते थे. लाइक मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी मेरी पढ़ाई को लेकर, और मैं गेस्ट अपीयरेंस देने जाती थी. मतलब गेस्ट को मैं गेस्ट अपीयरेंस देने जाती थी 2 मिनट के लिए, कि हाँ केम छो, मज्जा माँ, सूखा सो, आओ जो करके मैं मेरे रूम में आ जाती थी, और मैं मेरा रूम लॉक करके बैठती थी पढ़ने के लिए. बट इतना आवाज़ आता था, हंसी मजाक करते थे, यार मेहमान आए तो बातचीत तो करेंगे, मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता था. तब मुझे ये ऐप मिला जिसका नाम है हेड स्पेस. ठीक है, हेड स्पेस ने मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब वो मेरा टेंशन कम कर दिया आवाज़ को लेके, नॉइस को लेके. क्योंकि इस ऐप में मैं क्या करती थी,
हेडफोन लेती थी, ईयरफोन्स लेती थी फुल वॉल्यूम में। इस ऐप में ना ऐसे ऐसे काम वॉइस है, जैसे कि बारिश का आवाज़ आ रहा है, थंडर स्ट्राइक का आवाज़ आ रहा है, चिड़िया चु 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 कर रही है, मतलब समझ रहे हो, एकदम रिलैक्सिंग नॉइज़ हुआ करता था, जिससे आपको पढ़ाई में ध्यान लगे और आजू बाजू की आवाज़ से आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो मैं ऐसा करती थी, जब कभी कोई मेहमान आ जाता था, जब कभी मुझे लगता था बहुत आवाज़ हो रहा है, 1-2 घंटे के लिए मैं ये हेड स्पेस है उसका, मैं याद है मुझे बारिश का मुझे बहुत पसंद हुआ करता था, तो मैं बारिश का लगाकर एकदम हाई वॉल्यूम में लगाकर पढ़ लिया करती थी। ये बिल्कुल ऐसा हो गया, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, आपको पढ़ना है तो आप कोई भी तरीका ढूंढ के पढ़ोगे, आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे कि यार मेरे घर पे आज मेहमान है या बहुत आवाज़ हो रही है तो मैं नहीं पढ़ूंगी। अब आपको एक बात बताऊँ, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे दूसरे वाले बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो जब जब वो कंस्ट्रक्शन का आवाज़ आ रहा है तब तब मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, जब नॉर्मल चल रहा है तब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखो, आपको कुछ भी करना तो आप कैसे भी करोगे, यही बस मैं इस वीडियो के थ्रू भी बताऊंगी आपको। सो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी यू विल स्टडी एनी हाउ, एंड हेड स्पेस एक ऐसा ऐप है जिससे आप पढ़ सकते हो अगर आपके आजू बाजू में बहुत डिस्टर्बिंग आवाजें आ रही है या फिर आपका ध्यान नहीं लग रहा है। ठीक है, हम चलते हैं हमारे सेकेंड ऐप में, विच इज जोड़ो PDF। ठीक है, ये एक PDF एडिटर ऐप है, मतलब इतना मजा आता था ना पढ़ने में इस ऐप के थ्रू, क्योंकि क्या हुआ था, हमारा जब प्रोफेशनल था तब भी नए नए मॉड्यूल्स आ रहे थे यार, मतलब मेरे घर पे एक मॉड्यूल आ चुका था फिजिकल, अब वो लोग अपडेट करते रहते थे और वो अपडेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड पे हुआ करता था। तो एक मॉड्यूल तो ऐसा था Paper 1 का गवर्नेंस कि पूरा मॉड्यूल ही चेंज हो गया। अब ऑप्शन था या तो उसको पूरा मॉड्यूल का PDF बना के उसका प्रिंट लो, क्योंकि रिस्की इसलिए था क्योंकि बाद में वापस अपडेट आ जाएगा तो वापस करेंगे क्या, और एक ऑप्शन ये था कि मोबाइल पर ही एडिट कर करके पढ़ो। तो मैंने मोबाइल पर एडिट करने वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, एंड जोड़ो PDF एडिटर ने मेरा काम आसान कर दिया, बिकॉज ऑन देखो अभी तो आपको ऑनलाइन जमाना है, काफ़ी सारे नोट्स होंगे आपके जो ऑनलाइन होंगे, एंड आप ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हो तो ट्रेन में क्या बुक निकाल के पढ़ने का, ना फोन से ही पढ़ लेने का। तो इससे क्या होता है जोड़ो PDF एडिटर से, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है इसमें। आप या तो आपका PDF में जो भी लाइन आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि आप एक फिजिकल बुक से पढ़ रहे हो। बहुत मजा आता था पढ़ने के लिए, मैं जानबूझ के पढ़ती थी ताकि मैं ये ऐप यूज कर पाऊँ। आपको ये ऐप आपके मोबाइल में रखना है, कुछ भी नोट्स हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन तो इसी ऐप से पढ़ना, ताकि आप अंडरलाइन हाईलाइट कर सको। ठीक है, हम आते हैं हमारे तीसरे ऐप पर जो है सुचिता प्रकाशन है। इस ऐप में आपको स्कैनर्स मिलेंगे, ठीक है, मैं तो सुचिता प्रकाशन का स्कैनर ही यूज करती थी, मुझे नहीं पता था सुचिता प्रकाशन का ऐप भी है, वरना मैं तब भी डाउनलोड कर लेती, मुझे अब भी पता चला ये। इसमें आप फाउंडेशन का स्कैनर, एग्जीक्यूटिव का स्कैनर, प्रोफेशनल का स्कैनर और सुचिता प्रकाशन के और भी थोड़े बहुत बुक्स हैं जो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये ऐप भी डाउनलोड करके रख देना। फोर्थ ऐप है CS एग्जीक्यूटिव टेस्ट सीरीज। ठीक है, सो ये मैंने पर्सनली यूज करा हुआ है मेरे टाइम पर, एंड बहुत अमेजिंग है। इसका मतलब क्या है, आप ऑनलाइन ही टेस्ट दे सकते हो, क्विजेस दे सकते हो, पोर्शन वाइज या फिर सिलेबस वाइज या फिर अपने टॉपिक वाइज जैसा आपको चाहिए वैसा। तो जब कभी आप बोर हो रहे हो या जब कभी आप बाहर गए हो, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये ऐप ओपन करके आप टेस्ट दे सकते हो। एग्जीक्यूटिव के लिए है, आप ऑनलाइन अगर प्ले स्टोर में ऐप स्टोर में जाओगे ना तो CS या फिर कंपनी सेक्रेटरी डालोगे तो बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे आपको, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली ये बहुत कन्वीनियंट लगा था इसलिए मेरे पास अभी भी ये ऐप मेरे फ़ोन में है। ठीक है, एंड फिफ्थ ऐप जो मैं बताऊँगी वो है कंपनीज एक्ट 2013। ये MMJC एडवाइजरी का है, क्योंकि दूसरे जो एक्ट है ना उसमें बहुत सारे ऐड आते हैं बीच में, इसमें इतने ऐड नहीं आते। तो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट का सेक्शन, रूल्स, अमेंडमेंट्स ये सब मिलने वाला है, और आप बुक हैंडी रख सकते हो। वैसे तो MCA वेबसाइट पर भी आपको कंपनीज एक्ट मिल जाता है विथ अमेंडमेंट्स, बट वो आपको वेबसाइट पर जाना पड़ता है एंड ओपन करना पड़ता है। ये तो ऐप ही है, ऐप में जाओ, नाम डालो और जो सेक्शन चाहिए, जो रूल चाहिए वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा। अच्छा लगता है ऐसा कि मैं एक पूरा एक्ट फोन में उठा के चल रही हूँ। ऐसे बहुत सारे एक्ट है, टोपा, टोपा मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट,
वो ऐप भी आपको मिल जाएगा वहां पे, एंड जो भी आपको चाहिए वो। एक बोनस ऐप दे दूँ तो वो है लीगल मैगजीन का, लीगल सेंटेंसेस का, उसका भी ऐप आता है, वो भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो, जिसमें आप लीगल सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो सब पढ़ सकते हो, और क्योंकि ये हमको काम आते हैं यार। और अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल पेपर में वो सब लिखोगे तो इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। सो यस, यही सब कुछ ऐप्स थे जो मेरे पर्सनल फेवरेट थे और जिसने बहुत मदद करी है मेरी सच में। अगर ये लोग ह्यूमंस होते ना तो मैं इनको जाके बड़ा सा हक करती कि यार थैंक यू बिकॉज यू ऑल एग्जिस्ट। सो आप लोग भी ये ऐप डाउनलोड करो एंड इसको यूज़ करो। जोड़ो PDF तो यार आज ही डाउनलोड करो और आज ही यूज़ करो, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।